देखिए, हर प्रोडक्ट पर जब अलग अलग जीएसटी लगानी हो तो उस समय समस्या होती है कि कैसे लगाएं। तो बहुत आसान तरीका है, देखिए मान लीजिए जैसे वाउचर एंट्री पास करनी है, आप परचेज में चलते हैं पहले, क्योंकि तो परचेज में लगाएंगे तो सब में हो जाएगा, सेल्स में भी हो जाएगा। ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ पर सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर आपका हो वो डालिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो इन्हीं से परचेज किया था तो ये लेजर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, बाकी सारी डिटेल भर दीजिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंपली वो प्रोडक्ट लेके आना। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ अमूल घी, अमूल घी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया प्रोडक्ट। अब मान लीजिए कि जीएसटी ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो और आपको जीएसटी अलग से लगानी है। ठीक है, तो अलग से कैसे लगाएंगे, तो पहला तो ये करना है कि आपको यूनिट बनाना है, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट कैसे बनेगा, तो ये किलो में हम करेंगे। ठीक है, तो ये किलो कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये आ रहा है ना स्टेटरी डिटेल्स, यहाँ पे अल्टर जीएसटी करना है तो यहाँ से यस कर दीजिएगा और ये ऑन वैल्यू ही रखिएगा और यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आपने भले ही 18% लगाया हो, 5% बाई डिफॉल्ट लगाया हो, लेकिन यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर 10% लगाना है तो ये 10 कर दिया, तो ये एक प्रोडक्ट पे 10% लग गया। सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर बराबर डिवाइड हो गया था 5-5%, और आईजीएसटी तो 10% पूरा लग जाता है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये हो जाएगा। अब कौन से गोडाउन में इसको रखना है, तो यहाँ पर बहुत सारे गोडाउन हमारे पास होंगे, जैसे साकेत नगर गोडाउन है, तो साकेत नगर में रखा, कितना रखा, 100 किलो घी रख दिया। ठीक है, और इसको रखने की उचित व्यवस्था कर दी गई, यहाँ रख दिया गया, और घी जो है 750 रुपये, 700 रुपये खरीद रेट पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब ये हो गया, अब दूसरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे करते हैं अनिक घी, अनिक घी, GHEE, तो ये अनिक घी दूसरा स्टॉक आइटम है। अब इस पे अलग से जीएसटी देना है, हालांकि जीएसटी तो दोनों पे सेम लगेगा, लेकिन सिखाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि दोनों पे अलग अलग जीएसटी लगा के दिखा दे रहा हूँ। तो ये किलो कर दिया, यहाँ पर फिर अलग से जीएसटी, उस पर 10% लगाया था, इस पे लगाएंगे कितना, 12% लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जा करके यहाँ पर ऑन वैल्यू रख करके और यहाँ पे रखिएगा टैक्सेबल, और यहाँ पे 12% लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 12% हो गया, एंटर किया, एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कराया। अब ये किस गोडाउन में जाएगा, तो जो भी गोडाउन हो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहीं पे रखना है तो यहीं पे रख दिया, और कितना रखा, 100 किलो रख दिया, 100 किलो। ठीक है, और एक की खरीद रेट कितनी पड़ी, तो यहाँ पे पड़ी 650 रुपए, 650 रुपए खरीद रेट पड़ी। तो ये हो गया इस तरीके से, तो दोनों पे अलग अलग जीएसटी लग गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाना है जीएसटी। ठीक है, तो आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ये डिफरेंट स्टेट का नहीं है, ये सेम स्टेट का है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सीजीएसटी लगाते ही देखिए ये सीजीएसटी हो गया और ये एसजीएसटी हो गया, दोनों हो गया। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, अब पूरे आपके जो एंट्री होगी, एंट्री के दौरान पूरा आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी। परचेज का बिल आपने पूरा एंट्री कर लिया और डिफरेंट कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी, तो ये आपको कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके।